दोस्तों, कल आप लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोग की प्रक्रिया को समझे थे। इसमें उपयोगिता और संतुष्टि में अंतर समझते हुए कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का अध्ययन कर रहे थे। इसके साथ ही आपने देखा था कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में किस प्रकार का संबंध है। आज आप देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह नियम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री H.H. गोसेन ने दिया था, जो कि फ्रांसीसी अर्थशास्त्री है। हम लिख देते हैं इसको, फ्रेंच अर्थशास्त्री है। इस नियम के लिए जो कथन है वो ये है कि अतिरिक्त लाभ जो व्यक्ति किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि के कारण प्राप्त करता है, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है। ये थोड़ा सा तकनीकी शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। इसको यदि हम सामान्य भाषा में समझें तो हम ये बतलाएंगे कि जब किसी वस्तु का लगातार कोई प्रयोग करता है तो पहली यूनिट या पहली इकाई का प्रयोग करेंगे, और जैसे जैसे लगातार उसी वस्तु का प्रयोग हम करते जाएंगे तो उससे प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है लगातार घटती जाएगी। जैसे हम पहली रोटी खा रहे हैं, हम बहुत भूखे हैं, तो पहली रोटी जो हमको संतोष प्रदान करेगी, तो जैसे ही पहली रोटी हमने खा लिया है तो वह हमारे लिए अमृत के जैसे काम करती है। लेकिन चूंकि अब एक रोटी हम खा चुके हैं और पुनः दूसरी रोटी मांग रहे हैं क्योंकि हम भूखे तो थे, तो दूसरी रोटी जो है वो पहली रोटी चूंकि हमारी भूख की जो तीव्रता थी उसको कुछ कम तो की थी, इसलिए दूसरी रोटी निसंदेह रूप से पहली रोटी की तुलना में कम लाभकारी होगी। और जैसे ही आप दो रोटी खा लेते हैं और तीसरी रोटी खाना चाहेंगे, तो चूंकि इसके पूर्व आपने दो रोटी खा ली है तो तीसरी रोटी के कारण आपको और कम उपयोगिता उससे प्राप्त होगी, जबकि रोटी सेम थी, वही रोटी थी। तो हम देखते हैं कि एक जैसी वस्तु है लेकिन लगातार उसका प्रयोग करेंगे तो उससे मिलने वाली जो संतुष्टि है, उपयोगिता है, वो लगातार घटती जाती है। तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता यानी हर अतिरिक्त इकाई से जो हमको यूटिलिटी प्राप्त होगी वो घटती हुई दर से प्राप्त होती है। इस बात को देने वाले जो अर्थशास्त्री हैं वो फ्रांसीसी थे, और इसीलिए हम उपयोगिता के संदर्भ में इनको गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। आप देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में यदि हम इस प्रकार का चीज़ भारतीय कृषि क्षेत्र में देखते हैं कि इस प्रकार की बात आती है कि लगातार हम अगर उस भूमि पर लगातार उसी फसल को लेते जाएं, फसल चक्र का प्रयोग ना करते हुए केवल उसमें गेहूँ 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 का उत्पादन करते हैं या केवल चावल का ही उत्पादन एक खेत में करते हैं, तो उसकी उर्वरता जो है लगातार नष्ट होती जाती है। लेकिन अगर हम फसल चक्र का प्रयोग करेंगे, पहली बार आप देखेंगे कि आपने चावल का प्रयोग कर लिया है, फिर तिल का प्रयोग कर लिया है, फिर दलहन का प्रयोग कर लिया है, फिर आप चावल का प्रयोग करेंगे, तो इस प्रकार एक साइकिल, क्रॉप रोटेशन जिसको हम कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं तो उसकी उर्वर क्षमता बने रहती है, क्योंकि चावल का उत्पादन करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है भूमि से वो चावल ले लिया। लेकिन अब चावल को भूमि से जो कुछ चाहिए वो हर साल तो वो नहीं निर्मित हो पाता है, तो उसके लिए हमको कुछ दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो हमने भूमि के एक निश्चित चीज़ को, निश्चित लवण को हमने प्रयोग कर लिया है, उसके बनने में मान लीजिए 3 साल का समय लगता है, तो क्यों ना अगली फसल जब हम धान की लें तो 3 साल के बाद में। अब चूंकि फसल में हम मान लीजिए हम गठान वाली कोई फसल लेते हैं, जैसे हम गठान में अपन मटर ले सकते हैं, है ना, और चने की बात करते हैं, ये जब दलहन फसल लेते हैं उसमें कोई दूसरा लवण हमको लेना होता है भूमि से। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि क्रॉप रोटेशन अगर यूज करते हैं तब तो उसकी उर्वरता बनी रहेगी, है ना, लेकिन यदि हम लगातार किसी सेम फसल को लेते हैं तो उर्वर क्षमता उसकी नष्ट होती जाती है। तो आप देखेंगे कि जो भारतीय कृषि क्षेत्र है या अन्य देशों की भी हम बात करते हैं तो लगातार एक ही फसल को लेंगे तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता, उत्पादकता कम होती जाती है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अन्य बातें समान रहने पर। ये कई बार पूछा जाता है कि अन्य बातें समान रहने पर का मतलब क्या होता है अर्थशास्त्र में। अगर ये आ गया कि अन्य बातें समान रहना, यानी ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, तो आप देखेंगे कि वस्तु का उपभोग हमको निरंतर करना है। यानी जैसे हमने एक रोटी आज खा ली सुबह, उसके बाद फिर कहेंगे कि नहीं, हमने 8 बजे खाया है, अब 12 बजे खाएंगे वही रोटी, फिर हम
शाम को 4 बजे खाएंगे और फिर रात को 8 बजे खाएंगे। तो आपने देखा कि आपने 4 रोटी का प्रयोग किया लेकिन आपने समय का अंतराल रखा था। तो हर बार, क्योंकि हर 4 घंटे के बाद आपको भूख फिर से लगने लगती है, तो हर बार रोटी से आपको फिर उसी प्रकार की उपयोगिता प्राप्त हो सकती है। लेकिन उस 4 रोटी को यदि कहा जाता है कि व्यक्ति ए आपको लगातार खाना है, एक खाए फिर उसको तुरंत खाए, आपको टाइम लेग नहीं लेना है, समय विलंबना नहीं करना है, लगातार प्रयोग करना है। तो चूंकि लगातार कर रहे हैं बिना ब्रेक किए, तब पहली रोटी से की तुलना में दूसरी रोटी से प्राप्त जो उपयोगिता है कम होगी और दूसरे से तीसरे की कम होगी, क्योंकि हम लगातार उसका प्रयोग कर रहे हैं। ब्रेक करेंगे तो उपयोगिता में कमी वाली जो बात की जा रही है वह नहीं होगी। ये अन्य बातें समान रहने का मतलब होता है कि वस्तु का उपभोग हमको निरंतर करना है। फिर दूसरी बात है कि उपभोग की जो इकाई है उसका जो आधार है वो उपयुक्त होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि हमको यदि भूख लगी है तो हमको अगर रोटी का आकार, आप सभी जानते हैं कि उसका कितना बड़ा रोटी का साइज होता है, तो आप कहें कि निश्चित आकार की रोटी होती है। यहाँ पर हम रोटी का साइज बना रहे हैं कि कम से कम इतनी बड़ी रोटी होनी चाहिए, तो ये एक रोटी मानक रोटी का आकार है। अब मैं आपको फुल्की के आकार या गोलगप्पे के आकार की रोटी दूंगा और मैं 2 रोटी देने के बाद पूछूंगा और आप लीजिएगा क्या, तो आपने देखा कि इतनी छोटी सी आपने रोटी बनाई है उसमें भी 2 रोटी के बाद पूछ रहे हैं और दूं क्या, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। या फिर कोई व्यक्ति प्यासा है तो आप उसको गिलास में पानी देंगे, तब उसको क्या होगा, एक गिलास पानी दे दिए तो अगर और प्यासा है तो दूसरा गिलास की भी डिमांड करेगा। लेकिन अगर मैं कोई बहुत प्यासा व्यक्ति मेरे पास गर्मी में आता है और उसको मैं सुई की नोक से एक एक चम्मच पिलाता जाऊँ, ड्राप करके एक एक ड्राप करके पिलाऊँ, कहूँगा प्यास बुझी 3 ड्राप डालने के बाद, सीधी सी बात है प्यास का मतलब ही होता है कि एक स्टैंडर्ड जो फार्म है उसका गिलास है, कम से कम एक गिलास पानी दे दो, फिर दूसरा देना अगर और हो सकता है। आप अगर चम्मच चम्मच मेरे को पानी पिलाएंगे बिल्कुल और कहेंगे कि 3 चम्मच तो पिला चुका और कितना पानी पीना है, तो मतलब सीधी सी बात है उसका मानक आकार में हमको अगर दिया जाएगा तब ये नियम लागू होगा। नहीं तो हर बार क्या होगा, चूंकि व्यक्ति प्यासा है तो पहले चम्मच की तुलना में ऑलरेडी प्यासा दूसरा चम्मच वाले पानी से उसको उपयोगिता और अधिक मिलेगा, तीसरे से और अधिक मिलेगा क्योंकि प्यासा था, उसको और जल्दी से पानी की आवश्यकता थी। जब तक एक गिलास के बराबर वो पानी नहीं पी लेता है, जब तक वो संतुष्ट नहीं होता है, हाँ अगर एक गिलास के बाद दूसरा गिलास दिया जाएगा एक प्यासे व्यक्ति को, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि पहले गिलास ने अमृत का काम किया था, लेकिन चूंकि लगातार मैं गिलास के पानी का प्रयोग कर रहा हूँ, प्यासा था लेकिन पहले गिलास पानी ने मेरे को सबसे अधिक संतोष प्रदान किया था, सबसे अधिक संतुष्टि मेरे को उसे मिली थी। अन्य बातें समान रहने का और तीसरा महत्वपूर्ण है कि जो वस्तु की इकाई है वो हमेशा समरूप या होमोजीनियस होना चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अब जैसे मैं रोटी दे रहा हूँ पहली बार आपको, तो आपको लगातार 4 रोटी अगर देता हूँ तो पहली दूसरी तीसरी चौथी 4 रोटी से अगर मैं कहूँगा कि उपयोगिता की संख्या बताइए, उपयोगिता को अपन अगर पूछे कि कैसा मिल रहा है, कहोगे आप कि पहले से सबसे अधिक मिला था सर, फिर दूसरे से उससे थोड़ा कम मिला, तीसरे से और कम और चौथे से सबसे कम मेरे को उपयोगिता प्राप्त हुआ था। लेकिन पहली रोटी मैंने आपको दिया, जब दूसरी रोटी दिया तो उसका रूप बदल दिया, उसमें हल्का सा बटर से मैं गार्निश कर देता हूँ, तीसरी रोटी देता हूँ तो उसमें गार्निश करके और थोड़ा सा अच्छे से उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देता हूँ, फिर तीसरे में जैम मिला करके, तो आप देख रहे हैं हर बार रोटी का मैंने क्या है स्वरूप बदल दिया। तो आप कहेंगे पहली रोटी जो प्लेन सूखी थी, दूसरी रोटी को मैंने और अच्छे से डेकोरेट किया, तो चूंकि उसका स्वरूप बदल गया है तो हो सकता है पहली रोटी जो सूखी खाया था आपने उसकी तुलना में दूसरी रोटी और अच्छा साइज का था, अच्छे मतलब कह सकते हैं क्वालिटी का था, तो आपको उससे संतोष और अधिक मिल सकता था, जबकि भूख आपको अब नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसकी क्वालिटी बढ़ गई थी इसलिए आपको क्या है संतोष और अधिक मिल सकता था। तो आप कहेंगे क्योंकि अब रोटी का स्वरूप बदल गया है, उसमें हमने अच्छे से गार्निश करके डेकोरेट करके दिया है, तो उससे अपन को जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता है वो बढ़ती हुई प्राप्त हो सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि अन्य बातें समान रहने का मतलब है कि स्वरूप होमोजीनियस होना चाहिए, समरूप होना चाहिए, उसके रूप को बदल करके उसके गुण को बढ़ा करके हम अगर बात करेंगे तो हो सकता है कि उस वस्तु का प्रयोग करने से हमको उपयोगिता और अधिक प्राप्त हो सके। और चौथी बात यह है कि अन्य बातें समान रहने पर हम अर्थशास्त्र में हमेशा ये मानते हैं कि जो कंज्यूमर है, जो भी उपभोक्ता जो उस वस्तु को ले रहा है, उसकी आय जो है वो हमेशा स्थिर रहना चाहिए और जो उपभोग प्रवृत्ति है वो भी उसकी क्या है स्थिर रहना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि कीमत भी स्थिर रहनी चाहिए। तो इनमें यदि परिवर्तन होगा तब भी आप देखेंगे कि यह नियम कार्य नहीं करता है। और इसके बाद अपन देखेंगे कि अन्य बातें समान रहने का मतलब भी ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको हम समझ सकते हैं कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
यानी हम जैसी स्थिति में है वही स्थिति हमारी लगातार रहनी चाहिए। इसको मैं दूसरा एग्जाम्पल से बतलाना चाहूंगा कि जैसे व्यक्ति पहला कप या कह सकता हूँ पहला गिलास शराब का पीता है, तो वो क्या है, चूंकि शराब का तलब रखा हुआ व्यक्ति होता है, एक शराबी व्यक्ति है, तो पहले गिलास शराब ने उसको संतोष प्रदान किया था, दूसरे ने और अधिक उसको प्रदान किया, क्योंकि अल्कोहल लेने के बाद व्यक्ति बड़ा और अधिक डिमांड करने लगता है, तो जैसे ही वो दूसरा गिलास पिएगा तो उसको और अधिक संतोष मिलेगा, तीसरे में और अधिक उसको संतोष मिलने लगता है, फिर ऐसे पीते पीते क्या है उसकी मानसिक स्थिति जो है वह स्थिर हो जाती है, वह अपने आपे में नहीं रहता है। सामान्य व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन है और एक शराबी व्यक्ति जो अत्यधिक नशा में उन्मुक्त हो चुका है तो वह और अधिक लेगा, तो चूंकि अब मानसिक कंट्रोल तो उसका है नहीं, अब उसको जो भी पिला दो वो तो पशु के जैसा व्यवहार करना लगता है। हम कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति बदलते जा रही है, वह अपना आपा खो देता है, तो हो सकता है उसको और अधिक भूख लगे या और अधिक उसको संतोष मिले। तो इस प्रकार मानसिक संतुलन हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति के लिए नियम सत्य है, अगर हम कहें कि व्यक्ति बिल्कुल शराबी है, अत्यधिक शराब का सेवन कर चुका है, तो ये सब नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो आपने देखा, अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से सिखाएं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी करो हमेशा इस प्रकार गिरता हुआ होता है। अब कल हमने बताया था हालांकि कि जब तक का मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अक्ष के ऊपर अर्थात धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तब तक का ये हमको संतोष प्रदान करता है, हमको इससे प्राप्त होता है लाभ, ये बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, इसका प्रयोग हमको हमेशा करना चाहिए। बेनिफिशियल या प्रॉफिटेबल होता है, लाभदायक होता है, ये हमारे लिए, इसका प्रयोग हम क्या है करते रहे तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि हमको उससे एमयू हमारी कितनी हो गई, जीरो हो गई, जब एमयू जीरो हो जाती है तो हम समझ जाते हैं कि हमारे पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। यहाँ पर व्यक्ति ये कंज्यूमर जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, इसको हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी, पॉइंट ऑफ सेटाइटी। इसका मतलब होता है कि अब व्यक्ति क्या है पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुका है, अब उसके बाद उसको एक भी रोटी की भूख नहीं रह जाती। यहाँ सबसे अच्छी स्थिति, सबसे आदर्श स्थिति कब होगी, जब कंज्यूमर की एमयू जीरो हो जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर वह उस वस्तु का उपयोग करेगा तो अब उसको जो मिलने वाली उपयोगिता है वो अनुपयोगिता डिसयूटिलिटी में बदल जाती है, यानी जो कुछ खाया है आप उसको और निकाल देंगे, हो सकता है आपको उल्टी तक का हो जाए, तो अनुपयोगिता अनुपयोगिता मिलने लगेगी, यानी जो आपने खाया है उसको भी आप क्या कर देंगे निकाल सकते हैं, तो डिश यूटिलिटी प्राप्त होने लगती है, कब, जब एमयू नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सीमांत उपयोगिता शास्त्री ने कहता है कि अन्य बातें अगर सामान्य हैं तो किसी वस्तु का लगातार प्रयोग करते हैं एक जैसी वस्तु होनी चाहिए, मानसिक स्थिति हमारी सेम रहनी चाहिए, तो जैसे जैसे हम लगातार किसी वस्तु का उपभोग करेंगे उससे मिलने वाला जो संतोष है वो कम होता जाएगा, इसीलिए इसको हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहेंगे, और यह क्या है गोसेन का प्रथम नियम कहलाता है। तो इससे संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे कि गोसेन का जो प्रथम नियम है उसे वो किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को ही हम गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। इसकी क्या कथन है, तो कहोगे कि एक जैसी वस्तु का लगातार प्रयोग करने से हमको जो मिलने वाली उपयोगिता है निस्संदेह घटती हुई दर से प्राप्त होती है। भारतीय कृषि क्षेत्र में कौन सा उत्पादन के लिए कौन सा नियम कार्य करता है, तो आप कहेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उसमें काम करता है। एक कंज्यूमर कब सबसे अधिक अच्छी स्थिति में होता है या आदर्श स्थिति में होगा, तो आपका उत्तर होगा जब एमयू धनात्मक होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। आपके अच्छी भविष्य की शुभकामना के साथ, थैंक यू।